भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे प्राचीन और शक्तिशाली दल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी सेनावृत्ति अधिकारी ए ओ ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला के भवन में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बंगाल के ब्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारत के उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की उपज भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। आरंभ से इस दल ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया और भारत को स्वतंत्र कराने में सफलता प्राप्त की।